हेलो दोस्तों, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल सेफ्टी लवर्स में स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मेटल कटिंग मशीन के बारे में। मेटल कटिंग मशीन जो है ये मैकेनिकल और सिविल दोनों में काम में आती है। सिविल में अपन एमएस बार कट करने में काम में लेते हैं और मैकेनिकल में एमएस एंगल और एमएस चैनल कट करने में काम में लेते हैं। बात करते हैं इसकी चेकलिस्ट की। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे कटिंग प्लेट, जिसको अपन कटिंग व्हील भी बोलते हैं। इसमें क्रैक और डैमेज नहीं होना चाहिए। यदि दोस्तों इसमें क्रैक और डैमेज है तो स्किल्ड पर्सन इसको चेंज करेगा और जितना डिजायर्ड टॉर्क है उस पर इसको टाइटन करेगा। जो अपना कटिंग प्लेट है इस पर गार्ड होना चाहिए। कटिंग प्लेट और गार्ड दोनों में लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए। जो अपना जॉब क्लैंप है इसका कंडीशन सही होना चाहिए। जो हैंडल है ये इंसुलेटेड होना चाहिए। जो अपना वायर है कटिंग मेटल कटिंग मशीन का जो वायर है इसमें कट और बियर नहीं होना चाहिए। प्लग टॉप होना चाहिए। और दोस्तों जब अपन इसको काम में लेते हैं तो इसमें से स्पार्क जनरेट होता है। इस स्पार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने शील्ड लगा होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों जो भी इसको वर्क ले रहा है काम में ले रहा है उसकी पीपी को चेक करेंगे। उसके पास हैंड ग्लव्स होने चाहिए, ईयर प्लग होने चाहिए, गोगल होना चाहिए, एप्रोन होना चाहिए। ये चीजें अपन चेक करेंगे। इसके साथ जब भी अपन इसका इंस्पेक्शन करेंगे इस पर टैग लगाएंगे, इंस्पेक्शन टैग, आपने कब इसको चेक किया, किसने चेक किया, उसके साइन होंगे। और दोस्तों जो भी अपने टूल्स एंड टैकल्स हैं इनका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना जरूरी है, उसको डॉक्यूमेंटेड करेंगे। ये चेकलिस्ट तैयार होने के बाद आपने इसको कब चेक किया इस पर मेंशन करेंगे। जो भी सेफ्टी ऑफिसर है, सेफ्टी सुपरवाइजर जो चेक कर रहा है, उसका नाम, सिग्नेचर और डेट लगाएंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय सुरक्षा।